तो पहले क्या करना है आपको, क्वेश्चंस को पढ़ना है, वीडियो पॉज करनी है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फिर मैं सॉल्व करूंगा। तो क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग गैसियस रिएक्शन वेयर इनिशियल प्रेशर ऑफ ए गैस आपको दिया हुआ है ना, इनिशियल प्रेशर। आफ्टर टाइम टी द प्रेशर ऑफ द सिस्टम इंक्रीज टू 650 टोर्स, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टी, है ना, टी आपको बताना है। ओके, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन कितना दिया हुआ है। अब यहां से आपको पता चल गया होगा कि सेकंड इनवर्स, तो रिएक्शन कौन सी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और लॉग टू का वैल्यू आपको दिया हुआ है। ठीक है, कोशिश करो। ना पीड आप ना सिस्टम इंक्रीज टू 650 टोर, समझ में आ गया यहाँ से कि पहले 200 टोर था जब ये गैसेस थी, जब रिएक्शन स्टार्ट हुई तो क्या होगा सिस्टम में, ए गैस, 3 बी गैस और सी गैस, तो प्रेशर बढ़ गया है ना। तो आपको बताना कि भाई क्या टाइम था, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टी। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इनिशियल दे रखा है, तो ये आपको निकालना है कि किसी टी टाइम पे, ये उस टाइम पे है ना जब पी टोटल ये हुआ होगा ना 5.650 टोर, तो उस टाइम पे इसका प्रेशर कितना था। अगर इसका प्रेशर पता चल जाएगा आपको तो आप कैसे निकालोगे, पी इक्वल टू पी नॉट इंटू ई की पावर माइनस के टी, तो वहां से टाइम निकल जाएगा। देखो तो देखो बच्चों इसको, है ना, जैसे कि अपन स्टार्ट करते हैं कि ए गैस गिव्स 3 बी गैस प्लस सी गैस। ओके, इनिशियली आपको दिया था 200 टोर्स, 200 टोर, टी इक्वल टू 0 पे 200 टोर्स था, ये कुछ नहीं था। अब मैं बोल देता हूँ टी इक्वल टू किसी टी टाइम पे, ये कितना हो गया 200 माइनस एक्स पार्ट इसका डिकम्प हो गया, ये हो गया 3x, ये हो गया x किसी t टाइम पे। उस टाइम टोटल प्रेशर कितना दिया हुआ है, 650 आपको दिया हुआ है, मतलब आपके पास यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आपके पास एक क्वेश्चन आ जाएगी 200 प्लस 3x इक्वल टू 650। ओके, 650 आ गया, तो ये कितना हो गया 450 डिवाइडेड बाय 3x, x का वैल्यू कितना आ गया, तो ये आ गया आपके पास 150। तो किसी t टाइम पे, अब आपको पता है ए नोट का वैल्यू कितना हो गया, ए नोट हो गया आपके पास 200, किसी टी टाइम पे कितना हो गया उस टाइम पे, ये हो गया आपके पास 50। ओके, क्लियर है। फॉर्मूला क्या लगाओगे, ए एट एनी टाइम टी, ए एट एनी टाइम टी इक्वल टू ए नोट इंटू ई की पावर माइनस के टी। ओके क्लियर, ए टी कितना था किसी 50, और ये कितना हो गया 200 इक्वल टू ई की पावर माइनस के टी, और ये आपके पास हो गया 4 और e की पावर के टी, और ये कितना हो गया, t का वैल्यू आएगा 2 एल एन टू, है ना, एल एन टू बाई के, 2 एल एन टू बाई के। ओके, मतलब ये क्या ना 0.693 इंटू 2 हो गया आपके पास, तो 0.693 इंटू 2, और k का वैल्यू कितना है 4.606 इंटू 10 की पावर माइनस 3, मतलब एल एन टू को है ना ये लिख दो कि 2.303 इंटू लॉग 2, है ना, तो 0.03, है ना, 0.3, क्लियर है ना। एल एन टू को मैंने लिख दिया 2.3 इंटू लॉग 2, तो आपको यहाँ से पता चल गया होगा ये कितना आ रहा है, ये आपके पास आ रहा है 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स आ रहा है, और ये कितना हो गया ना 0.3 ऊपर हो गया, तो ऊपर देखोगे ऊपर आपके पास आ रहा है 0.693 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 की पावर 3, ऊपर और प्लस में चला गया। ओके, तो आपको पूछा किस में है, सेकेंड में, तो आंसर सेकेंड में आएगा, तो कितना आना चाहिए, तो ये आएगा आपके पास तो 69.3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, तो अप्रोक्सीमेटली इसको ऐसे करो कि ये कितना हो गया 70, तो 70 इंटू 3 210 डिवाइडेड बाई 2, तो अप्रोक्स हो क्या अराउंड 100 के अराउंड, कितना आंसर आ रहा है 4.6, आपके पास क्या आना चाहिए 650 टोर है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टी इन सेकेंड, ये आपको दिया हुआ है। ओके, ए एट एनी टाइम टी आपको निकाल लिया आपने, कितना निकाल लिया
ठीक निकाला अपने, एक्स का वैल्यू इतना है तो 200 माइनस एक्स तो 50, 50 तो 200, और ये अपने पास हो गया e की पावर के टी इक्वल टू 4, और t आपने निकाल ही लिया है तो ln ले लिया, ln 2 ln 2 i k, ओके तो ये लिख दिया। अच्छा सॉरी, यहाँ पे अपन ने वैल्यू गलत लिख दिया ना, ये वैल्यू गलत लिख दिया। तो देखो देखो यहाँ पे, तो 2 ln 2 मतलब ये आ गया 2 × 3.03 इंटू log 2 कितना 0.3 डिवाइडेड बाय आपके पास था 4.606 इंटू 10 की पावर -3, तो ये आपके पास हो गया 2, और 2 से 2 कैंसिल तो आपके पास कितना हो गया, तो 300 सेकेंड आएगा आंसर, 300 के आसपास है ना, 300 सेकेंड, तो डी बी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? बस इस क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको कि फॉर ए केमिकल रिएक्शन, एक पी टू क्यू दी हुई है, एक एक्स टू वाई, अरिनियस कॉन्स्टेंट आर है ना, ए फॉर ना रेस्पेक्टिवली दी हुई है, तो और ये आपको एनर्जी दी हुई है एक्स ए वाई, देन फाइंड द टेम्परेचर एट विच दियर रेट कॉन्स्टेंट आर सेम, कौन से टेम्पर है ना रेट कॉन्स्टेंट सेम होंगे, है ना, क्लियर सी बात है। तो कैसे करोगे, के वन इक्वल टू ए इंटू ई की पावर माइनस, और उसकी ई वन दी हुई है तो ई वन बाई आर टी, और के टू इक्वल टू ए टू इंटू ई की पावर माइनस ई टू बाई आर टी, ठीक है, दोनों को इक्वेट कर देना, सारे वैल्यू दिए हुए हैं, और आपको क्या निकालना है, टेम्परेचर निकालना है सिंपल, ओके। और ध्यान रखना एक आर का वैल्यू 2 किलो ये यूज करना ना सिंपल, क्लियर है, निकाल लोगे यहाँ से, आसान है ना निकालना इसको, है ना, इसका आंसर बता, आंसर आएगा इसका सी विल बी द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मैं बोलूँ ना कि कर लिया करो, उसको क्या करो, उसी टाइम पे उसी इंस्टेंट पे वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व किया करो, ओके। अब अगला क्वेश्चन है कि फॉर द रिएक्शन आपको दी हुई है N2+3H2 गिव्स 2 अमोनिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आपको दिया हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आपको ये दिया हुआ है, ओके, द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया कितना होगा, कितना होगा, लिखो सॉल्व करो, क्या आंसर आएगा, कैसे सॉल्व करोगे, सोच लिया होगा आपने, अगर सोच लिया होगा तो आप कैसे लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू डी ऑफ N2/dt माइनस, और क्या होगा, -1/3 डी ऑफ H2/dt, ओके, इक्वल टू +1/2 डी ऑफ NH3/dt, ये तो लिखोगे। और आपको कितना दिया हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ मतलब 0.3 × 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाई 3 × 2, तो ये किसके इक्वल आएगा, डी ऑफ NH3/dt, भाई ये तो पॉजिटिव आएगा ना, तो कंसंट्रेशन हाइड्रोजन तो क्या होगा, रिएक्शन स्टार्ट हो डिकम्पोज होगा इसलिए नेगेटिव है ना, तो आंसर ये आएगा, ओके। और ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए ना, क्योंकि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया तो क्या आएगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा इसीलिए, क्योंकि नेगेटिव इसका हो, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता था कि डिकम्पोज हो रहा है, पॉजिटिव साइंस की फॉर्मेशन हो रहा है, ओके। तो कितना आ गया आपके पास, ये हो गया 0.1, तो ये कितना आ गया 2 × 10 की पावर -5, ओके है ना, तो क्लियर हुआ, कौन सा, बी विल बी द राइट आंसर, ओके। हाँ कोई एक रिएक्शन दी हुई है, फॉर द रिएक्शन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, है ना, कोई केमिकल रिएक्शन दी हुई है, कुछ बताया नहीं गया, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, वन विद रेस्पेक्ट टू बी, टू विद रेस्पेक्ट टू ए, और इसका बोला गया 3, और बोला कांट बी प्रिडिक्टेड, आंसर क्या होगा। अब यार देखो, अब देखो सिंपल सी बात है, आपको ये बोला नहीं गया कि रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, अगर आपको मेंशन कर दिया जाता कि ये अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो आप सिंपल सा लिख सकते थे कि ए के रेस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर आएगा, बी के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, अगर ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोल दी गई तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेट लो कहाँ से लिखते थे, हमें मैकेनिज्म पता होना चाहिए था रिएक्शन का, जो हम स्लोएस्ट स्टेप से उसका लिखते थे, ओके है ना, तो आंसर क्या आएगा, कांट बी प्रिडिक्टेड, क्लियर है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ना, रेट लो क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन क्वांटिटी होता है, इसलिए। अब
अब बच्चों एक क्वेश्चन है कि इसमें बोला गया कि द फॉलोइंग रिएक्शन डिकम्पोज है ना, N2O5 का डिकम्पोजिशन दिया हुआ है, 8 at 25 डिग्री सेंटीग्रेड द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ रिएक्शन किसी टी पे दिया हुआ आपको रेट कॉन्स्टेंट, इफ द इनिशियल प्रेशर ऑफ N2O5 इतना दिया हुआ है, ओके इनिशियल प्रेशर आपको 0.2 atm इसका दिया हुआ है, इफ द टोटल प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सचर बिकम है ना 0.35 atm देन कैलकुलेट द टाइम ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। तो बेसिकली ये सेम जो पहले क्वेश्चंस कर चुके है ना, तो वो वाला सिमिलर वैसा ही क्वेश्चन है, तो आपको बताना है क्या होगा ना, तो सोल्व करो आंसर सही आना चाहिए। देखो हाँ, तो देखो बच्चों इसको कैसे करोगे कि किसका 0.2 एटमोसफेयर था, तो मैं कह देता हूँ किसी टाइम पे मतलब 0.2 माइनस x, तो ये लिख लो इक्वेशन कि N2O5 गिव्स है ना कि 2NO2 प्लस हाफ O2, आपके पास 0.2 एटमोसफेयर था, 0.2 इसका माना 0.2 माइनस x ये कितना बनेगा 2x और ये बनेगा x/2। ओके इनिशियल आपको है ना 0.2 इतना दिया हुआ है, इनिशियल प्रेशर N2O5 इतना है, टोटल प्रेशर ऑफ गैस मिक्सचर इतना, तो आपको सिंपल सा वही लगाना है, ये कितना हो गया 0.2 प्लस 1.5x इक्वल टू कितना हो गया 0.35। ओके 0.35 हो गया तो ये आपके पास कितना हो गया 0.15 हो गया, 0.15 हो गया तो, और ये हो गया 1.5 इक्वल टू x, तो x का वैल्यू कितना हो गया, x का वैल्यू हो गया आपके पास 0.1। ओके 0.1 देन द कैलकुलेट द टाइम ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 है ना, तो डिकम्पोज N2O5 होगा तो आपको क्या लिखना होगा, कंसेंट्रेशन ऑफ A8 एनी टाइम t इक्वल टू A0 इंटू e^-kt, किसी t टाइम पे जब पूरा हुआ तब कितना था 0.1, स्टार्टिंग में कितना था बोलो बोलो कितना था 0.2 इंटू e^-kt लिख दो, केटी लिख दो तो लोगे तो इधर से इधर जाएगा तो केटी इक्वल टू एल एन टू, के का वैल्यू कितना दिया हुआ है, के का वैल्यू दिया हुआ आपको 5 × 10^2, ये कितना दिया हुआ द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ 10^-2 और ये आपको दिया हुआ है LN2 मतलब 0.693 दिया हुआ है। ओके पावर माइनस 3 है ना, 10^-3 है तो इधर लिखोगे 10^-3। ओके तो यहाँ से देखते हैं तो ये कितना आएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे आंसर आएगा 693 डिवाइडेड बाई 5, तो कितना आ गया ये, तो कितना आना चाहिए 1 पॉइंट है ना, तो अप्रोक्सीमेटली आएगा 138 के आसपास आएगा, तो बी विल बी द आंसर, क्लियर है। ओके ये क्वेश्चन है, इसमें है कि ए एंड बी रिएक्ट एज पर रिएक्शन, ए और बी आपको रिएक्ट किया गया फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द रेट लो, रेट लो आपको आइडेंटिफाई करना है, तो देखो कि कैसे आइडेंटिफाई करोगे, बस वही ट्रिक्स यूज करनी है। सपोज ए के रेस्पेक्ट में आपको अगर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बी को क्या करना पड़ेगा, वो देखो जहां पे बी फिक्स है ना, जब आपको बी के रेस्पेक्ट में निकालना है तो वो वाला डेटा देखो जहां पे ए फिक्स है। ओके ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके सोल्व किया करो ना, तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मुझे सपोज ए के रेस्पेक्ट में निकालनी है ना एक, तो मैं सिंपल सा रेट लो लिख लेता हूँ, इसका रेट लो क्या होगा k × a^x और b/y, ये इसका रेट है ना रेट होगा, तो इसकी रेट ये होगी। अब अपन ए के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, ए के रेस्पेक्ट में वहाँ पे बी फिक्स होगा, बी कौन कौन से में फिक्स है, 1 और 3 में,
वन और थर्ड में अपन देखते हैं कि ए कितना हो रहा है, डबल हो रहा है, तो आपके पास है ना डबल हो रहा है, तो 2 की पावर एक्स उस टाइम पे रेट क्या हो रही है, वन और थर्ड में रेट हो रही है अपने पास डबल हो रही है, तो रेट क्या हो रही है, डबल हो रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स का वैल्यू कितना आएगा, वन। ओके अब निकालते हैं बी के रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो ए वाला फिक्स देखते हैं, सेकेंड और थर्ड में देखते हैं, तो यहां से देखो सपोज यहां पे देखो रेट क्या हो रही है, इधर से इधर जा रहे, तो रेट क्या हो रही है डबल हो रही है, सॉरी कंसंट्रेशन डबल हो रहा है, मतलब आपके पास डबल हो रहा है 2 की पावर y, और यहां पे रेट क्या हो रही है उसी टाइम पे रेट भी क्या हो रही है डबल हो रही है, तो y का वैल्यू कितना आएगा, वन। तो दोनों के रेस्पेक्ट में क्या है फर्स्ट ऑर्डर, तो आंसर क्या आएगा b। क्लियर है ना, इस तरह से किया करो आप इन क्वेश्चन को, है ना आराम से। हाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉर ए रिएक्शन ए गिव्स बी, ये आपको दिया हुआ है, एंथैल्पी आपको दी हुई है, द पोटेंशियल एनर्जी प्रोफाइल इस रिएक्शन का आपको बताना है कि पोटेंशियल एनर्जी प्रोफाइल क्या होगा। ओके देखो सोचो है ना, पहली चीज है एंथैल्पी पॉजिटिव दी हुई है, एंथैल्पी पॉजिटिव मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन है ना, और ए की एक्टिवेशन एनर्जी आपको दी हुई है, और ए की एक्टिवेशन एनर्जी आपको दी हुई है, तो देखो सोच के यहां से पता चल गया होगा आंसर होगा या ए और बी में से आंसर होगा, और आंसर कौन सा होना चाहिए, आंसर होना चाहिए आपके पास बी विल बी द आंसर, क्यों यार देखो यार सिंपल सी बात है, एक्टिवेशन एनर्जी कौन सी हो गई, ये एक्टिवेशन एनर्जी हो गई है ना, ये अब ये फॉरवर्ड की बात कर रहा है, और ये आपके पास क्या आता है ना डेल एच आता है। ओके और ये वाली कौन सी हो गई, बैकवर्ड की हो गई ई बी, ठीक है, तो एंथैल्पी क्या आती थी, एंथैल्पी जो वैल्यू निकल के आती थी ये आती थी आपके पास ई ए माइनस है ना, तो निकाल देते ना, तो ये आपके पास आती थी ई ए माइनस ई बी, तो यहां पे ई ए माइनस ई बी क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, तो ये तो कौन सा हो गया एक्सोथर्मिक, यहां पे बात करेंगे तो ये आपके पास क्या निकल के आएगा एंथैल्पी, और ये एंथैल्पी निकल के आया आपके पास, और यहां से बात करते हैं यहां पे बात करते हैं ये कौन सा हो गया ई बी हो गया, और ये कौन सा हो गया ई ए हो गया, तो ई ए माइनस ई बी तो क्या आएगा पॉजिटिव आएगा ना, ये बड़ा है ई बी से, तो एंथैल्पी क्या आ गई यहाँ पे ग्रेटर देन 0 आ गई, यहाँ पे एंथैल्पी क्या आ गई लेस देन 0, समझ में आ गया, तो आंसर क्या होगा बी। ये तो मल्टी स्टेप्स हो गया, तो यहाँ पे जैसे कि पहले तो बैरियर ये था सपोज इतना सा था, फिर इतना और हुआ, तो हर एक्टिवेशन एनर्जी को देना चाहिए हर स्टेप्स का, इसीलिए ना। हाँ ये क्वेश्चन है आपको बोला गया, कंसिडर द फॉलोइंग प्लॉट्स ऑफ रेट कॉन्स्टेंट वर्सेज 1/T फॉर फोर डिफरेंट रिएक्शन, फोर डिफरेंट रिएक्शन आपको दी हुई है, तो आपको दिया हुआ है लॉग के वर्सेज 1/T का प्लॉट दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ दीज रिएक्शन, की कौन सा सही है, ठीक है, तो आपके पास होता था, चलो करो खुद से है ना, खुद से ट्राई करो, कभी खुद से भी क्या करो, हाँ देखो कैसे करोगे है ना, तो के इक्वल टू ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, और ये करोगे लॉग के इक्वल टू माइनस ई ए बाई आर टी प्लस लॉग ए, ठीक है, तो जैसे लॉग के लिया आपने, लॉग के लिया तो लॉग के, और ये 2.303 एल एन लिया आपने, एल एन लिया तो आपने क्या किया लॉग के, ओके एल एन एल एन एल एन ये हो गया, तो ये आ गया आपके पास 2.303। ओके तो मतलब आपके पास आ गया कि लॉग के वर्सेस 1/T जो कर्व होगा, तो ये क्या होगा ये लॉग के है ना, तो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप कर्व आ रहा है, तो स्लोप क्या होगी, स्लोप उस कर्व की स्लोप होगी आपके पास माइनस ई ए बाई 2.303 आर, स्लोप ये होनी चाहिए है ना, स्लोप ऑफ कर्व। ओके अब समझ में आ गया, क्लियर है, तो मतलब यहां से क्या आएगा, यहां पे आएगा आपके पास ई ए इक्वल टू माइनस टाइम स्लोप सबका,
और स्लोप सबकी क्या है, स्लोप सबकी देखोगे तो नेगेटिव आ रही है सबकी स्लोप, मतलब जिसकी स्लोप ज्यादा उसका एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज्यादा। तो बच्चों इसका आंसर क्या आएगा, स्लोप आपने निकाल ली भाई, बी तो क्या हो गया, बी तो ऑलमोस्ट जीरो हो गया, फिर आपके पास आएगा बी के बाद में, फिर ये आपके पास आएगा सी, सी के बाद में सबसे ज्यादा सी की आएगी, फिर ए की आएगी, फिर डी की, और लास्ट में बी, सी और डी है ना, तो देखो बी सबसे लास्ट में, तो आंसर क्या होना चाहिए, ए, ए विल बी द आंसर। ओके ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, इसमें आपको पूछा गया कि N2O5 गिव्स 4 NO2 गैस प्लस O2, व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 टू द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 का आपको बताना है, क्या होगा, है ना, आसान सा सवाल है। टू इज टू बनाएगा ना, ठीक है, सिंपल सा। तो माइनस डी ऑफ N2O5 बाई डी टी, और ये क्या हाफ है ना, स्टोशियोमेट्री इक्वल टू 1 प्लस हाफ डी ऑफ O2 बाई डी टी, इस वैल्यू को यहाँ नीचे ले जाओ, टू इधर आ जाएगा, तो ये किसके इक्वल ना, तो वही पूछा, टू इज टू वन। हाँ, अब आपको बताना है इस रिएक्शन में, बताना है द रिएक्शन एक्स प्लस वाई गिव्स जेड इज फर्स्ट ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड सेकेंड ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू वाई, वाई के रेस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर है, इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जेड आपको ये दी हुई है, ओके रेट ऑफ फॉर्मेशन ठीक है, वेयर एक्स एंड वाई आर इतना इतना दिया हुआ है ना, इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आपको दी हुई है, तो इफ द एक्स इज हॉल्ड एंड वाई इज डबल है ना, आधा कर दे, द वैल्यू ऑफ द इनिशियल रेट वुड बिकम्स, क्या होगा। ओके क्वेश्चन पढ़ो है ना, वीडियो को पॉज करो और कोशिश करो सॉल्व करने की, है ना, क्लियर। हाँ, तो बच्चों देखो क्या आ रहा होगा आंसर, कि फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एन एंड सेकंड ऑर्डर, तो आपको दिया हुआ है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के एक्स इंटू वाई स्क्वायर। ओके इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जेड है ना, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जेड कितना होगा, तो ये है ना इक्वल टू आपके पास क्या हो, डी ऑफ जेड बाई डी टी, तो आपको आर दिया हुआ ना, इसका वैल्यू आर दिया हुआ है। ओके When x and y are half, half कर दिया गया अगर आपको, है ना, अच्छा, when x and y उस टाइम पे आपको दिया हुआ है कि ये था, ओके क्लियर है ठीक है, और आपको हाफ कर दिया, अगर x हाफ कर दिया गया तो y डबल कर दिया गया, अरे सिंपल सी बात है, यहां से देखो पहले क्या है कि ये x था और ये हो गया y का होल स्क्वायर, तब आपके पास कितना था, r था, अब मैं बोल देता हूँ r प्राइम है, अब x को क्या कर दिया गया, x बाई टू कर दिया गया, ओके, और y को क्या कर दिया गया, डबल कर दिया, 2y कर दिया गया, तो यहां से आपको सिंपल सा पता चल जाएगा ये क्या है, ये आ रहा है आपको पास एक्स वाई स्क्वायर, और ये कितना आ रहा होगा, तो ये आ रहा है 2xy² मतलब आपके पास कितना हो गया, r r प्राइम कितना हो गया, r प्राइम हो गया 2r। ओके आंसर विल बी डी विल बी आंसर। अगला क्वेश्चन है, यहां पे बोला गया कि ए रिएक्शन इज कैरिड आउट एट 600 केल्विन पे कैरिड आउट है, इफ द सेम रिएक्शन इज कैरिड आउट इन ए इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एट द सेम रेट है ना, कैटलिस्ट की में एंड सेम फ्रीक्वेंसी फैक्टर, द टेम्परेचर रिक्वायर्ड इज दिस, इतना टेम्परेचर चाहिए होता है। ओके व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इफ द कैटलिस्ट लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर बाय इतना, कितनी एक्टिवेशन एनर्जी होगी। ठीक है क्वेश्चन पढ़ा, ओके वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो। ठीक,
करे बच्चों, तो मतलब आपके पास हो गया कि ये रिएक्शन दी हुई थी, सिंपल होता है के इक्वल टू ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ओके, तो अब अगर ये 600 केल्विन मतलब टी वन, यहाँ पे हमें सिंपल रिएक्शन होती है, पहली है अगर टी वन इक्वल टू 600 केल्विन होता है, ओके, तब रेट क्या होता है, ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, आर टी वन में बोल देता हूँ ना। ओके, कैटलिस्ट सेम रेट है ना, सेम रेट अगर देखो, अगर टी टू इक्वल टू आपके पास बोल दिया था 5, तो रेट सेम है, रेट है और अनियस फैक्टर सेम दिया हो, तो वहां पे मैं बोल देता हूँ ई ए प्राइम बाई आर टी टू, ई ए प्राइम बाई आर टी टू 300 केल्विन। व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, इफ द कैटलिस्ट लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर बाय 20 क्यूब। मतलब आपके पास बोला गया है कि ई ए प्राइम कितना होगा, ई ए प्राइम होगा आपके पास ई ए है ना, ये अगर किलो जूल में, और माइनस 20, ओके, तो ये यहाँ पे किलो जूल में होगा, ओके, तो क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को बराबर कर दो, दोनों को, तो आपके पास यहाँ से आएगा e की पावर मतलब ई ए बाई आर टी वन इक्वल टू ई ए प्राइम बाई आर टी टू, ठीक है, ई ए प्राइम, आर से आर गया, टी वन कितना दिया हुआ था 600, मतलब इसको मैं लिख देता हूँ 6 लिख देता हूँ, इसको 5 लिख देता हूँ, तो आपके पास आ रहा है 5 ई ए इक्वल टू 6 ई ए प्राइम, है ना, और ई ए प्राइम का वैल्यू कितना था, ई ए प्राइम का वैल्यू आपके पास 6 इंटू 6 ई ए माइनस 20, तो यहाँ से कितना आ गया और इधर से चला जाएगा, तो 6 इंटू 20 और इक्वल टू ई ए आपके पास आ जाएगा, मतलब 120 किलो जूल पर मोल, है ना, यहाँ पे साइन जो लिया था किलो जूल पर मोल वाला लिया था, तो आंसर क्या आएगा, बी विल बी द आंसर, ठीक है बच्चों।